नमस्ते, मैं नरेंद्र दुबे सागर मध्य प्रदेश से। आज दिसंबर 2019 का सीपीसीटी का पेपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, एमएस विंडोज 10 इनमें से किस तरह का सॉफ्टवेयर है? ये क्या है? GUI, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंधित फाइलों का समूह कहलाता है डेटाबेस। अगला क्वेश्चन, ROM का पूर्ण रूप क्या है? रीड ओनली मेमोरी। कीबोर्ड पर तीरों एरो के निशान वाली कुंजी को क्या कहा जाता है? नेविगेशन। जो भी हम करते हैं उसको अप डाउन लेफ्ट राइट, दीज आर नेविगेशन की। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन वास्तविक भौतिक सामग्री है जो एक भंडारण उपकरण में डेटा और प्रोग्राम रखती है? मीडिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, माइक्रोफोन, माउस, स्कैनर, ये सारे इनपुट डिवाइस हैं। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ने लोकप्रिय विंडोज 3 खाली स्थान में लॉन्च किया था 1990 में। अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक डेटा को पंक्तियों और कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले फॉर्म खाली स्थान कहलाते हैं स्प्रेड शीट्स, जो एक्सेल में होते हैं। अगला क्वेश्चन, बाहरी कंप्यूटर पोर्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अन्य कंप्यूटर उपकरणों के साथ संचार करने के लिए। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान डेटा आवश्यकताओं के अनुमान के द्वारा हार्ड डिस्क प्रदर्शन को बेहतर बनाता है, डिस्क कैशिंग। अगला क्वेश्चन, माउस का उपयोग किए बिना स्क्रीन के चारों ओर ले जाने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? कर्सर गति कुंजी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक संशोधक कुंजी नहीं है? बैक स्पेस। संशोधक कुंजी मीन्स मॉडिफाई, शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट, ये सारे मॉडिफायर हैं, और जो बैक स्पेस है ये आपका संशोधित कुंजी नहीं है, ये पूछा गया। अगला क्वेश्चन, ईएक्सटी फाइल प्रणाली किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विकसित की गई थी? लिनक्स, लाइनक्स के लिए विकसित की गई थी। अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन दिए गए बहुत से मानदंडों को पूरा करने वाले श्रेणी के सभी सेलों का अंकगणितीय माध्य देता है? अवेरा GEIFS फंक्शन। अगला क्वेश्चन, ओपन ऑफिस कैल्क में फंक्शन PASE बेस 255:16:4 का क्या आउटपुट होगा? 00FF। ये आपको उसमें देखना पड़ेगा, स्प्रेडशीट का क्वेश्चन है ये, एक्सेल का। इसमें ये पूछ रहे हैं कि बेस अगर दिया है 255:16:4 तो आउटपुट क्या होगा, इसमें फॉर्मूला लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संबंधित जानकारी का संग्रहण जो एक इकाई के रूप में वर्गीकृत और संबोधित किया जाता है वह क्या कहलाता है? फाइल। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? ARPANET। अगला क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? प्रति सेकंड अक्षर, करेक्टर पर सेकंड। निम्न में से क्या इंकजेट प्रिंटर की त्रुटि है? स्याही बहना। अगला क्वेश्चन, डिजिटल वीडियो को खाली स्थान प्रारूप में दर्शाया गया है, बाइनरी डाटा के रूप। कूट लेखन में इनक्रिप्शन का मूल आवश्यक कार्य खाली स्थान वाली विषय वस्तु का खाली स्थान में अनुवाद करना होता है। सामान्य कूट लिखित आंकड़े, पहला खाली स्थान सामान्य वाली विषय वस्तु का कूट लिखित आंकड़े में अनुवाद करना होता है। इनक्रिप्शन का मतलब एक मैसेज जो भेजा जाता है उसको इनक्रिप्ट किया जाता है, फिर वो डिक्रिप्ट होता है, कोड भाषा में 010 में जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में से किसमें एक नोड अपने पड़ोसी नोड्स में से किसी एक से डेटा प्राप्त करता है और उसके बाद दूसरे नोड को डाटा पास हो जाता है रिंग टोपोलॉजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, चेक सम फाइल को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? MD5। विच फाइल फॉर्मेट इज यूज टू सेव चेक सम फाइल? MD5। खालिस्तान एक प्रोग्राम है जिसे किस अन्य प्रोग्राम को स्थापित करते समय उपयोगकर्ता की अनुमति अथवा उसकी जानकारी के बिना ही स्थापित कर दिया जाता है? स्पाईवेयर कहलाता है, वायरस है ये। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर्स को कंप्यूटर पर काम करते समय बॉम्ब एरर का सामना करना पड़ सकता है MacOS में। अगला क्वेश्चन, बूट प्रक्रिया के दौरान खालिस्तान POST चलाता है, BIOS, BIOS कहलाता, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन, ऐसा सैंपल सिग्नल जो समय से समय में असंतत पर मूल्य में अविरत है उसे ऐसे सिंपल सिग्नल में परिवर्तित करना जो मूल्य में असंतत है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कंटीजेशन प्रमाणीकरण। इंग्लिश में देख लेंगे, ब्लैंक स्पेस इज द कन्वर्जन ऑफ अ सैंपल्ड सिग्नल दैट इज डिस्क्रीट इन टाइम बट कंटिन्यूअस इन वैल्यू इनटू अ सिग्नल दैट इज डिस्क्रीट इन वैल्यू, इट इज क्वांटाइजेशन। अगला क्वेश्चन, प्रिंटिंग क्या है? एक डॉक्यूमेंट के प्रिंटेड वर्जन हार्ड कॉपी को प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रिंटर किसी ऑब्जेक्ट या डिजिटल ब्लूप्रिंट लेकर काम करता है और विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करके परत दर परत फिर से बनाता है? 3D प्रिंटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर खाली स्थान पर आधारित होते हैं, टंकण मुद्रण यंत्र की। टाइपराइटिंग प्रिंटिंग मैकेनिज्म, इंग्लिश में बोल सकते हैं। इंटरनेट का मतलब खालिस्तान होता है, इंटरनेशनल नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, स्पैम ईमेल कहां पर आता है? जंक फोल्डर में। एमएस एक्सेल में कॉलम में टेक्स्ट सामान्यता की ओर एक रेखित होता है, बाई लेफ्ट की ओर होता है। अगला क्वेश्चन, स्लाइड खालिस्तान दृश्य में आप लघु प्रस्तुति में प्रदर्शित संपूर्ण प्रस्तुति देखते हैं, इस दृश्य का उपयोग आपकी प्रस्तुति में स्लाइडों को व्यवस्थित करने के साथ साथ एनिमेशन संक्रमण और समय जोड़ने के लिए किया जाता है, सॉर्टर कहलाता है, सॉर्टर। अगला क्वेश्चन, यदि आप टेक्स्ट के चयन की प्रतिलिपि बनाना चाहते हैं तो आप किस कुंजी संयोजन का उपयोग करेंगे? कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए आप एमएस एक्सेल में खालिस्तान को दबाएंगे, Ctrl+1। कौन सा पावर पॉइंट दृश्य व्यू थंबनेल के रूप में प्रस्तुत की प्रत्येक स्लाइड प्रस्तुत करता है और स्लाइड्स पुनर्व्यवस्थित करने में सहायक है? स्लाइड सॉर्टर। एमएस वर्ड में ग्राफिक्स को स्थानांतरित करने के लिए कौन सी फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है? F2। स्कैटर चार्ट को निम्न में से खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, XY चार्ट। 39 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन अगले वीडियो में हम अभी देखते हैं। धन्यवाद।